वेस्टर्न कैनाल जो उत्तर प्रदेश जाता है हरियाणा से होता हुआ, उसमें आप पानी नहीं छोड़ रहे। दिल्ली को डुबोने में जितना योगदान दिल्ली में कब्जे और अवैध कब्जों का है और किसी का नहीं है। दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, तो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। खट्टर साहब ने खुद ही बता दिया कि विपत्ति हरियाणा से आती है, चाहे पानी ना देना हो तो भी हरियाणा करता है, और जब नहीं देना तब जबरदस्ती देना हो वो भी काम हरियाणा करता है। क्यों करता है? हथनीकुंड बराज यहां से 228 किलोमीटर दूर है। हथनीकुंड बराज से तीन जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना। वेस्टर्न कैनाल का पानी दिल्ली में आता है तो आप वहां खूब पानी छोड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। यमुना का पानी सीधा दिल्ली में आता है, आईटीओ, वजीराबाद, ओखला, पूरा दिल्ली के मेन एरिया से निकलता है, आप वहां भी पानी छोड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। वेस्टर्न कैनाल जो उत्तर प्रदेश जाता है हरियाणा से होता हुआ, उसमें आप पानी नहीं छोड़ रहे, इसका कारण बताइए। षड्यंत्र है दिल्ली के खिलाफ। हमारे लोग जब वहां पे पहुंचे हथनीकुंड में, तो लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गुजरने वाले वेस्टर्न ईस्टर्न कैनाल से कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे पास लॉग बुक है, हम लॉग बुक भी लेके आए हैं। पानी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित और हरियाणा शासित सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ बाढ़ लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कि ये बेतुके बयान दे आम आदमी पार्टी के नेताओं का काम ही है कि इनका जन्म ही इस पार्टी का झूठे लांछन लगा के दोषारोपण करके हुआ है। अभी भी अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं, दूसरे पर लांछन लगा देते हैं। अब आप सबको पता है कि दरिया जो है, रिवर है, बारिश के पानी की रिवर है जमुना, इस दरिया को तो हम मोड़ नहीं सकते, इसको यूपी में हम कैसे भेजेंगे? दरिया का पानी तो दरिया में जाएगा, दरिया में जब पानी कम होता है तो हम सिंचाई के लिए यूपी में थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, सिंचाई के लिए हरियाणा ले जाते हैं, हमारे पास कोई डैम है नहीं, जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, जो दिल्ली होकर के, आगरा होकर के, जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है, इसको कोई कौन मोड़ सकता है? सच्चाई तो ये है कि पानी इतना पहले भी आया है, लेकिन तब जमुना का बेसिन चौड़ा था, अब जमुना पे वहाँ कब्जे हो गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो गई है, जमुना को बिल्कुल संकरा कर दिया है, तो पानी का लेवल बढ़ गया है, इसलिए दिल्ली को डुबोने में जितना योगदान दिल्ली में कब्जे और अवैध कब्जों का है और किसी का नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनीकुंड बराज के तीन दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था? हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से, जहां पे इतनी घनी आबादी है, तो बहुत यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 25,000 लोग इवैक्यूएट हुए, 21,000 लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था? इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना, पानी का तो स्वभाव है ऊपर से नीचे ही जाता है, और हथनीकुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। देखिए यमुना किनारे हमारे भी जितने शहर हैं, गांव हैं, उनमें भी पानी आया है, उतना ही आया। और दिल्ली तो सिर्फ 6 किलोमीटर है, दिल्ली से निकलने के बाद भी हरियाणा में पानी कम है हमारे क्या, तो हम कोई जानबूझ के अपने